नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। शहर में बाइक सवार बदमाशों द्वारा लगातार चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। एक बार फिर केसरबाग ब्रिज के पास एक्टिवा सवार महिला के गले से सोने की चेन लेकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। दरअसल इन दिनों लगातार बाइक सवार बदमाश चेन स्नेचिंग की घटनाओं को जूनी, इंदौर, द्वारकापुरी, अन्नपूर्णा, लसूड़ी और राजन नगर इलाकों में एक के बाद एक बाइक सवार बदमाश चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। कल शाम राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के केसरबाग रोड के पास एक्टिवा पर जा रही महिला के गले से 2 तोले सोने की चेन खींचकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद फरियादी महिला ममता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। बताया जा रहा है कि शहर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई चेन स्नेचिंग में एक ही गिरोह लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है। केसरबाग ब्रिज के वहाँ पर विट्ठल रुक्मणी गार्डन है, विट्ठल रुक्मणी गार्डन से लेकर जो रेलवे ब्रिज, रेलवे ट्रैक है, उसके बीच में एक स्कूटी पे महिलाएं जा रही थी, जिनको पीछे से आके स्नैच करके 2 लोगों ने स्नैच किया है। और जो है उनको जिस तरह का पूरी कार्रवाई रही है, अभी जाँच जारी है। उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जो बहुत स्पष्ट हैं। अभी चूंकि मास्क वगैरह लगे हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। कुछ फुटेजेस को मिलान की कोशिश करी है, लेकिन अभी बहुत कुछ मैच एक दूसरे का नहीं हो रहा है। संभवतः ये अलग अलग लोग हो सकते हैं, संभवतः ये एक जैसे हो सकते हैं। ये उनके पकड़ के आने के बाद ही पूछताछ को समझना है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।